नोएडा एक्सप्रेस वे पे प्लॉट नंबर 1। सो प्रोजेक्ट का नाम है एम्पी इन द कलिनन। बेसिकली हम कलिनन की बात करते हैं तो माइंड में आता है व्हाट इज इट, कलिनन है क्या। कलिनन बेसिकली इज द लार्जेस्ट डायमंड जिस फाउंड इन द साउथ अफ्रीका। तो उस डायमंड से और बहुत सारे डायमंड बनाए गए थे, ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा डायमंड जो था वो आज की डेट में लंदन में आपका बर्मिंघम पैलेस में किंग का क्राउन है, क्राउन में लगा हुआ है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे हमने अपने जो हमारा जो प्रोजेक्ट है द कलिनन, ठीक है ना, तो हमने जितने भी हम मॉडल बना रहे हैं, जितने भी इसमें इधर स्ट्रक्चर बना रहे हैं लाइक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हाई स्ट्रीट, ऑफिस स्पेस एंड लॉफ्ट, हम उन सबको एक अलग डायमंड का नाम दे रहे हैं रिलेटेड टू जिस रिलेटेड टू कलिनन। बात करें हम प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट का एड्रेस है हमारा प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 94। टोटल एरिया प्रोजेक्ट का है हमारा 12.83 एकर्स, सर टू साइड ओपन प्लॉट, जिसमें कि मेरा फ्रंट ये पूरा एक्सप्रेस वे को फेस करता है एंड ये मेरा फेस करता है अदर साइड सेक्टर 124 को। सो ये पूरा जो फ्रंट है मेरे इस प्रोजेक्ट का, ये 1000 फीट का फ्रंट है, फाइंड एंड इट्स अ मिक्स यूज लैंड। सो वी आर कमिंग अप विद द रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, हाई स्ट्रीट रिटेल, शॉपिंग मॉल, ऑफिस स्पेस एंड लॉफ्ट्स। हाँ जी, सो ये मेरे 5 एक्सपेंसेस हैं जो इस प्रोजेक्ट में आने वाले हैं। हम बात करें टोटल डेवलपमेंट एरिया की, तो ये एरिया पूरा डेवलप हो रहा है 30 लाख स्क्वायर फीट एरिया हम इसमें डेवलप कर रहे हैं, जिसमें एक रेजिडेंशियल आ जाता है 15 लाख स्क्वायर फीट पे एंड 15 लाख स्क्वायर फीट मेरा पूरा हाई स्ट्रीट एंड ऑफिस स्पेस मिला के पूरा कमर्शियल आ जाता है। फाइन, तो आप देखते हैं नोएडा एक्सप्रेस वे पे तो मैक्सिमम फ्रंट जो है मेरा इस प्रोजेक्ट का, इस नोएडा एक्सप्रेस पूरे इस प्रोजेक्ट का ही है जो मैक्सिमम फ्रंट आता है रिटेल में। तो मेरा जो फ्रंट है पूरा पूरा 1000 फीट का है, जिसमें कि मैक्सिमम एरिया मेरा हाई स्ट्रीट है जो कि विजिबल होता है नोएडा एक्सप्रेस वे से। तो मेरा जो रिटेल पार्ट है इट इज़ ऑन 5, इसका जो डेवलप एरिया है इट इज़ 5 लाख स्क्वायर फीट। मेरा जो मॉल है मेरा इट इज़ ये 1.25 से लेके 1.50 लाख स्क्वायर फीट का मेरा मॉल एरिया आएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया मेरा ऑफिस स्पेस एंड लॉफ्ट का आएगा। 15 लाख स्क्वायर फीट मेरा पूरा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। हम बात करते हैं कि हम एंथम फर्स्ट प्रोजेक्ट नोएडा के अंदर है, तो वॉट इज़ द यूनिक अबाउट दिस प्रोजेक्ट। नोएडा के अंदर पहला प्रोजेक्ट है जिसमें पहला अपार्टमेंट आपका 7th फ्लोर से स्टार्ट होता है। तो कोई भी ऐसा अपार्टमेंट नहीं है जिसका व्यू का ब्लॉक, एवरी सिंगल अपार्टमेंट इज हैविंग ए फेसिंग, जिसमें एक प्रॉपर व्यू मिलता है और एक अच्छा व्यू मिलता है। सो प्रोजेक्ट के अंदर हमारी 5 एंट्री एग्जिट पॉइंट है, जिसमें कि पहला एंट्री है, मैं रेजिडेंशियल की बात करूँ, रेजिडेंशियल का एंट्रेंस मेरा ये आता है, इसमें एंट्रेंस फॉर द रेजिडेंशियल। हाई स्ट्रीट के मेरे 2 एक्सेस हैं, फर्स्ट इज दिस लोअर ग्राउंड फ्लोर के लिए एंड ये मेरा एंट्रेंस आता है पार्किंग के लिए, एलिवेटेड पार्किंग के लिए 3rd एंड 6th फ्लोर के लिए। एक एंट्रेंस मेरा मॉल का है जो कि इस साइड से आता है एंड मेरा ऑफिस स्पेस एंड लॉफ्ट का एंट्रेंस इस लोकेशन से आता है, ये मेरा ऑफिस स्पेस एंड लॉफ्ट का एंट्रेंस है। इसी रीजन से मेरी इस प्रोजेक्ट के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं कि ठीक है मेरी प्राइवेसी इंटर होती है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी सारी एंट्रेंस बिल्कुल सेपरेटेड डिफरेंट है। Thank you.
टॉप पे पेंट हाउस है। थोड़ा बहुत एक आधा पचास दो ₹0 किलोमीटर है सारी यूनिवर्सिटी आसपास कॉलेज आसपास ये 5 लेवल का है, ठीक है। लोअर ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। क्या किया है मैंने ना, आपने इसको पूरे हाई स्ट्रीट को कैटेगराइज कर दिया है कि हर एक लेवल पे अलग अलग आपके डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स आएंगे, ठीक है। इसमें मैं बात करता हूँ, अगर मैं लोअर ग्राउंड की बात करता हूँ उसमें मेरे आएंगे एंकर स्टोर्स, फाइन। तो मेरा जो पूरा लोअर ग्राउंड है, फ्रंट में मेरा पूरा वर्चुअल है एंड पीछे तरफ से पूरा पूरा ये लॉकेबल शॉप्स आते हैं, फाइन। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर हो गया एंड लोअर ग्राउंड फ्लोर, फाइन। लोअर ग्राउंड फ्लोर एक्सेस जो है मेरा ग्राउंड लेवल से है, ये आपका रैम जाता है विच गोज टूवर्ड्स द लोअर ग्राउंड फ्लोर एंड ये मेरा ड्रॉप ऑफ एरिया आता है इसके अंदर, फाइन। एंड यहाँ से आपकी कार बाहर आपको इफ़ यू आर कमिंग विद अ कैब और यू हैविंग अ शॉफर ड्रिवन कार तो वो आपको यहाँ पे ड्रॉप ऑफ एरिया पे ड्रॉप करके आपका पार्किंग में चला जाएगा जो भी हो, फाइन। उसके बाद आता है मेरा सेकंड ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर मेरा पूरा लॉकेबल स्पेस है, फाइन। सो मेरा हाई स्ट्रीट एक्चुअल स्टार्ट होता है ग्राउंड लेवल से, रीजन बीइंग मेरा जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा पूरा मेरा सेंट्रलाइज एसी है, वेरियस कभी भी हाई स्ट्रीट कभी आपका सेंट्रलाइज एसी नहीं होता है, ओपन टू स्काई। मेरा ग्राउंड लेवल से पूरा मेरा ओपन टू स्काई, ओपन टू एयर रहेगा पूरा हाई स्ट्रीट, फाइन। देन आता है फर्स्ट फ्लोर, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है। देन सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे मैंने फ्रंट की तरफ दिए हुए हैं आपके रेस्टोरेंट विद ओपन टेरेस एरिया, ये मेरा एक रेस्टोरेंट है उसका टेरेस एरिया, ये रेस्टोरेंट का टेरेस एरिया, दिस इज सेकंड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पे ये रेस्टोरेंट, ये टेरेस एरिया, दिस इज रेस्टोरेंट, दिस इज अ टेरेस एरिया, दिस पर्टिकुलर कमर्शियल, फाइन। बात करें अगर हाई स्ट्रीट के अंदर तो इन टोटालिटी मेरा एरिया है टोटल 5 लाख स्क्वायर फीट का एंड नंबर ऑफ शॉप्स हैं अप्रॉक्स 550, फाइन। बात करें मॉल के लिए, दिस इज माय मॉल, ये मेरा मॉल आता है जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ दिस एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ दिस प्लॉट पे है, फाइन। उसके बाद आता है मेरा रेजिडेंशियल, हम बात करें एरिया की तो एरिया वाइज हमारा लॉकेबल में अवेलेबिलिटी एज ऑन डेट मेरे पास अवेलेबिलिटी 900 स्क्वायर फीट स्टार्ट होती है एंड गोज अप टू 3000 स्क्वायर फीट। वेरियस हम बात करें रेस्टोरेंट की, मेरे पास आज में सिर्फ और सिर्फ 3 रेस्टोरेंट बचे हैं जिसमें मिनिमम साइज मेरा है 4000 स्क्वायर फीट एंड मैक्सिमम 8000 स्क्वायर फीट ऑफ रेस्टोरेंट अलॉन्ग द टेरेस एरिया। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, फ्रंट में जो शॉप्स आ रही हैं, ये मेरी सारी डबल हाइट की शॉप्स हैं, दीज आर डबल हाइट शॉप्स। तो इनकी हाइट अप्रॉक्स 27 फीट से 30 फीट तक रहेगी, वेरियस जो मेरा स्टैंडर्ड साइज है, हाइट है शॉप का, वो मेरा है 15 फीट का सभी शॉप्स का, इट्स ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सभी की स्टैंडर्ड हाइट मेरी 15 फीट की रहेगी रिटेल शॉप की, फाइन। हम बात करें अगर एरिया की एंड वॉट इज़ यूनिक अबाउट आर प्रोजेक्ट और रेजिडेंशियल पार्ट, तो रेजिडेंशियल में बात करूँ तो मेरा जो क्लब है वो मेरा 84 फीट की हाइट से है ग्राउंड लेवल से, फाइन। जिसमें सेकेंड हम बात करें अगर अपने रेजिडेंशियल की, सो एज आई टोल्ड यू मेरे रेजिडेंशियल में पहला फर्स्ट अपार्टमेंट आता है 7th फ्लोर से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 40 फ्लोर्स, मैं 7th फ्लोर से स्टार्ट करता हूँ। रीज़न बीइंग मेरा जो एंट्रेंस लॉबी है
हर टावर की, वो मेरे ट्रिपल हाइट की एंट्रेंस लॉबी है। सो ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड फ्लोर मेरा पूरा एंट्रेंस लॉबी की हाइट में आ गया, थर्ड फ्लोर मेरा है सर्विस एरिया और यू कैन सी स्टोर। कुछ पार्ट हमने थर्ड फ्लोर का पार्किंग के लिए भी छोड़ा हुआ जो कि कमर्शियल का पार्ट रहेगा पार्किंग में, राइट। नेक्स्ट आता है मेरा फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर। फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर मेरा ये क्लब आया था विच इज़ डबल हाइट, तो ये मेरा जो क्लब है पूरा पूरा टावर्स के नीचे ओपन करता है, सभी टावर्स के नीचे मेरा क्लब मूव करता है, ठीक है। तो हर टावर के नीचे एक सेपरेट आपकी एमिनिटीज़ रहेंगी, ऐसा नहीं है कि हर टावर का सेपरेट आपका क्लब रहेगा, हर टावर के अंदर अलग अलग एमिनिटीज़ हमने दी हुई है। फॉर एग्जांपल टावर नंबर B1 जो मेरा 3 BHK वाला टावर है, इसमें मेरा नीचे इस क्लब में एरिया में मेरा आता है जिमनेजियम, राइट। टावर नंबर A1 जो कि मेरा वेरी फर्स्ट टावर है 5 BHK वाला, इसके अंदर मेरा आता है बिजनेस सेंटर एंड आपका सिगार लाउंज, बेसिकली फॉर्मल जोन है। मैंने पूरे क्लब को अपने हर एरिया को, हर पार्ट को मैंने डिफरेंट जोन में डिवाइड किया हुआ है, लाइक फॉर्मल जोन हो गया जिसमें बिजनेस सेंटर आ जाएगा, एंटरटेनमेंट जोन हो जाएगा जिसमें कि मेरा किड्स रिलेटेड आ जाएगा, किड्स एंड प्ले एरिया, फाइन। नेक्स्ट आता है मेरा क्या बोलते हैं जिसमें मेरा पूरा ग्रीनरी प्लस पूल एंड ऑल आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने हर एरिया को क्लब के अंदर कैटेगराइज किया हुआ। F&B जोन है मेरा जिसमें फूड एंड बेवरेज में मेरा रेस्टोरेंट आते हैं, स्पोर्ट्स बार आता है, बोलिंग एरिया आता है, मेरा बैंकेट हॉल आता है, मेरा लॉन पार्टी लॉन आता है एंड ओपन टेरिस रेस्टोरेंट आते हैं, ये सारा मेरा F&B जोन में आता है। तो हर मैंने पूरे क्लब को हर अलग अलग एरिया में डिवाइड किया हुआ है। वन मोर थिंग यूनिक अबाउट दिस प्रोजेक्ट क्लब, नोएडा में 1 लाख स्क्वायर फीट क्लब है, बट हाउ मनी रेजिडेंसेज, मोर देन 2500-3000 रेजिडेंस से ऊपर पे आपका 1 लाख स्क्वायर फीट क्लब मिलता है। मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट क्लब है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 374 रेजिडेंस के लिए, एंड जिसमें मैं आपको 101 एमिनिटीज दे रहा हूँ। हम बात करें अगर क्लब के अंदर टावर की एंट्रेंस, तो ये मेरी टावर की एंट्रेंस है, एंट्रेंस लॉबी रहेगी, यहाँ से A1 टावर का होगा, ये मेरे टावर A2 का होगा। सो वी हैव गिवन प्रॉपर ड्रॉप ऑफ एरिया जस्ट लाइक होटल्स में, जैसे आपका 5 स्टार होटल्स में होता है आपका ड्रॉप ऑफ एरिया, ये मेरा ड्रॉप ऑफ एरिया है इन दो टावर्स का, सो दैट कि आपका व्हीकल मूवमेंट स्मूथली चलता रहे, कोई हिंडर ना हो मूवमेंट में, फाइन। नेक्स्ट आता है मेरा पार्किंग। यू टॉक अबाउट पार्किंग, पार्किंग मेरी -1, -2, -3 एंड 3rd and 6th फ्लोर पे है। सो रेजिडेंस की पार्किंग जो कि वो होगी basement 2 एंड basement 3 लेवल पे, जिसमें हमने 1076 पार्किंग का प्रोविजन रखा हुआ है ऑन 374 रेजिडेंसेस, तो वी हैव एम्पल पार्किंग स्पेस। ओवर एंड अबव रेजिडेंस में के जो गेस्ट हैं उनके लिए मैंने 100 पार्किंग का प्रोविजन रखा हुआ है, जिसकी एंट्रेंस आपकी इस लोकेशन पर, यहाँ से आपके गेस्ट एंटर करते हैं, ये मेरा एंट्रेंस है। ग्राउंड लेवल पे पार्किंग रहेगी रेजिडेंस के गेस्ट के लिए, तो ग्राउंड लेवल पे पार्किंग, यहाँ से आपका कार एंटर करेगी पार्किंग के लिए, फाइन। वेरस अब बात करें अगर रेजिडेंस पार्किंग, यहाँ से आपकी कार एंटर करती है एंड गोज टिल basement 2 एंड basement 3 लेवल। सो हमने प्रोविजन जो रखा हुआ है कार पार्किंग के लिए रेजिडेंस के लिए, वो basement 2 एंड basement 3 में रखा हुआ है। रेस्ट basement 1 में मेरा रिटेल के लिए है कार पार्किंग। ग्राउंड लेवल पे मेरा कुछ लेवल पे मेरा मतलब कि लाइक मॉल एरिया में एंड उसमें तो मेरा रिटेल शॉप्स आ जाती है, तो वहाँ पे पार्किंग प्रोविजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड लेवल जो पार्किंग है वो गेस्ट के लिए पार्किंग है। देन 3rd floor and 6th floor पार्किंग प्रोविजन रखा हुआ है फॉर द रिटेल एंड ऑफिस बिजनेस के लिए। कि तो रेजिडेंशियल मेरा मिनिमम साइज होता है स्टार्ट 3270 स्क्वायर फीट विच इज 3 BHK प्लस सर्वन प्लस स्टडी। तो ये टावर मेरा B1 है विच इज़ अ 4-2 का कोर, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स हैं, फाइन। हाइट है इसकी 40 फ्लोर्स की। नेक्स्ट आता है मेरा 4 BHK वाला टावर, ये मेरा टावर नंबर C1 एंड दिस टावर नंबर C2, 4 BHK 4315 स्क्वायर फीट, अगेन सॉरी दिस इज 2-2 अ कोर, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है। सो एवरी सिंगल अपार्टमेंट, एवरी सिंगल रेजिडेंस हैव अ बोथ साइड व्यू, वेदर इट्स एक्सप्रेस वे और पोडियम लेवल और यमुना व्यू, फाइन। नेक्स्ट कम टावर नंबर A1 मेरा 5 BHK, अगेन 2-2 अ कोर, एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट है। नेक्स्ट टावर नंबर A2 ये अगेन 4 BHK 2-2 अ कोर। वॉट इज़ यूनिक अबाउट दिस 5 BHK टावर, इसमें हमें हर एक फ्लोर पे हर अपार्टमेंट के साथ में एक प्लंज पूल दिया हुआ है। ये जो आपको ब्लू दिख रहा है ये मेरा प्लंज पूल बालकनी में दिया हुआ है हर एक अपार्टमेंट, हर रेजिडेंस में ये दोनों आपके स्विमिंग पूल आ जाएंगे। सो 5 BHK 4 BHK 3 BHK 4 BHK 4 BHK A1 A2 B1 C1 एंड C2। इस तरह आता है मेरा ऑफिस स्पेस एंड लॉफ्ट जो भी हमने लॉन्च नहीं किया, ये हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, एक्सपेंशन में आएगा, तो होपफुली विद इन अ मंथ और 2 हम लोग इसको लॉन्च करेंगे।
लेट डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द क्लब. हाँ बात करें क्लब तो मेरा जैसे मैंने बताया था कि मैंने अपने क्लब के अंदर हर एक क्लब का हर पार्ट को मैंने अलग अलग जोन में डिवाइड किया हुआ है. तो मेरा अगर मैं बात करूँ F&B जोन, मेरा F&B जोन ये पार्ट आता है जो कि रिटेल के थर्ड फ्लोर के ऊपर बना हुआ है. मेरा बैंकेट हॉल, पार्टी लॉन, रेस्टोरेंट, फाइन. बाकी जो रेस्ट ऑफ द एमिनिटीज लाइक आपका स्काई स्पोर्ट्स अरेना, ये स्काई स्पोर्ट्स अरेना है. इट इज़ वेरी फर्स्ट टाइम इन दिल्ली NCR कि जहाँ पे आपका 84 फीट की हाइट पे स्पोर्ट्स एमिनिटीज हैं लाइक बास्केटबॉल, लॉन टेनिस कोर्ट, क्रिकेट पिच, आपको ग्राउंड लेवल से 84 फीट की हाइट पर मिल रहा है. तो वो मेरा इस लोकेशन पे ही है. सो वी आर हैविंग अपार्ट फ्रॉम दिस गेम वो स्विमिंग पूल. सबसे बड़ा स्विमिंग पूल मेरा ये आता है जो कि टावर नंबर A2 से स्टार्ट होता है एंड एड्स अप टू टावर नंबर C1. विद इन दिस पूल वी हैविंग अ 160 फीट ऑफ लैप पूल जो कि आपका ओलंपिक साइज पूल होता है, उसकी लेंथ के बराबर रहता है. अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा ऑफिस स्पेस एंड लॉफ्ट का एक सेपरेट डेडिकेटेड पूल रहेगा. इसकी क्लब्स की एमिनिटीज आपकी अलग रहेंगी, अगेन वो टावर्स के नीचे ही आएंगी. एक जो हमने मिस कर दिया, इसमें बेसिकली हम बात करें साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, लोगों का कंसर्न होता है, क्वेश्चन होता है कि कहाँ पे किस जगह मिलेगा आपको जॉगिंग के लिए कहाँ. तो ये पूरा मेरा एलिवेटेड है. ये जो पिंक आपको दिख रहा है ये पूरा मेरा जॉगिंग ट्रैक एंड रेसिंग ट्रैक रहेगा, साइकिलिंग ट्रैक सॉरी. ये पूरा मेरा पिंक कलर का, ये मेरा पूरा पूरा साइकिलिंग ट्रैक एंड आपका जॉगिंग ट्रैक रहेगा. हम बात करें अगर ग्रीन एरिया की, तो ग्रीन एरिया मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आपका 44% ग्रीन एरिया है. 12.858 लैंड, 5.5 लाख स्क्वायर फीट लैंडस्केप रखा हुआ ओनली फॉर द रेजिडेंस. वी टॉक अबाउट पोजिशन टाइम, सी वी हैव जस्ट विजिटेड रेरा. सो हमारा रेरा में जो पोजिशन टाइम है 20:28 का है. बट एज एन M3 में बात करूँ तो हमने अपना प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट को टाइम से पहले डिलीवर किया. आई होप एंड आई बिलीव हैव 100% श्योर कि मेरा प्रोजेक्ट जो 3.5 साल से 4 साल के अंदर आपका पूरा कम्प्लीट हो जाएगा.